नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं। हमारे घर के अगल बगल बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और उनको उखाड़कर फेंक देते हैं, परंतु कुछ ऐसी ही औषधि है जिसका उपयोग मधुमेह, हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए, पेचिस, कान दर्द, बुखार, सिरदर्द, पीलिया, मस्से के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आप वनस्पति देख रहे हैं इसको मीठी पत्ती के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको घोर तुलसी, बंगाली में वंदनिया, नेपाली में पाताल मिश्री, मीठा झार या चीनी झार इत्यादि नामों से जानते हैं। इस वनस्पति को आप देख लें, इसका जो लंबाई है करीब ये 1 से 1.5 फीट तक की होती है और इसकी पत्तियां 2 इंच लंबी होती हैं और इसकी पत्तियों के आगे ये कटे हुए होते हैं जैसे कि धनिए में, और इसके पत्ते आमने सामने होते हैं और इसके पत्ते के डंठल के पास से ही इसमें से फूल या फल निकलते हैं। और इसकी जो कांड है, डंठल है, ये चौखूटा होता है और थोड़ा सा सख्त होता है। इसकी जड़ सफ़ेद रंग की और छोटी सी होती है जिसमें से 2-4 रूटें निकली होती हैं और इस पत्तियों का स्वाद मीठा होता है। इस वनस्पति की तासीर ठंडी होती है। इस वनस्पति का उपयोग डायबिटीज़ को दूर करने के लिए और ताइवान में अति तनाव, हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमारे यहाँ इस वनस्पति का उपयोग एक महिला वैद्य, इसका उपयोग लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज को दूर करने के लिए किया करती हैं। उनको भी 40 साल पहले वाइट डिस्चार्ज की समस्या हुई थी, तब उनके खानदान में ही इस वनस्पति को उनको बताया गया था, तब से वो इस वनस्पति का उपयोग और महिलाओं को ठीक करने के लिए किया करती हैं। इस वनस्पति का उपयोग आप वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया में कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को तोड़ लें मुट्ठी भर और खाली पेट आप चबा लें और खा जाएं। इसमें किसी भी प्रकार का कड़वापन या चरपरा नहीं होता है। ये थोड़ी सी मीठी और खाने में थोड़ी टेस्टी लगती है, तो आप इसको आसानी से खा सकते हैं और 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। ऐसे ही 2 या 3 दिन आप इसका सेवन करते हैं तो आपको वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया की समस्या जो है सामूल नष्ट हो जाती है। अगर आपको ये वनस्पति ताज़ी नहीं मिलती है तो आप इसकी पंचांग, फूल, तना, पत्ती, जड़ सभी को ले लें और इसको छाया में सुखा लें, सुखाकर इसका आप पाउडर कर लें और करीब 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप ताजे जल के साथ खाली पेट इसका सेवन 2 से 3 दिन करते हैं तो आपकी जो लिकोरिया है वो समूल नष्ट हो जाती है। तो वो महिला सिर्फ लिकोरिया में ही इसका उपयोग करती हैं। आप इस वनस्पति का उपयोग कौन सी बीमारी में करते हैं और आपके क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई वनस्पति जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।